दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत का लास्ट व्हाट्सएप चैट आया सामने। सामने आई कई सारी बातें। सुशांत के दोस्त कुशल जावेरी ने भी शेयर किया अपना लास्ट कॉन्वर्सेशन। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से सारे तार उनकी एक्स मैनेजर दिशा सालियान से जुड़ते हुए नजर आए थे। दिशा सालियान के परिवार ने इस बात से पूरी तरह से इनकार कर दिया था कि वो सुशांत सिंह राजपूत के टच में ज्यादा नहीं रहती थी। खैर, अब सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के बीच हुई एक व्हाट्सएप चैट लीक हुई है, जिसमें दोनों कुछ प्रोजेक्ट्स को लेकर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। सामने आई दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की ये चैट इसी साल अप्रैल महीने की है, जिससे साफ है कि दिशा और सुशांत लगातार एक दूसरे के टच में थे। चैट से साफ हो चुका है कि दिशा सालियान ही सुशांत सिंह राजपूत का पीआर संभाल रही थी और कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच भी सुशांत सिंह राजपूत के पास ढेर सारा काम था। चैट में दिशा सालियान सुशांत से एक एडिबल ऑयल के एड फिल्म शूटिंग की बात कर रही है और उनसे कह रही है कि अगर वो ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो वो कंपनी से इस डील को 60 लाख में फाइनल करके एड फिल्म की स्क्रिप्ट मंगा लेगी। सुशांत सिंह राजपूत दिशा सालियान की बातों से हामी भरते हुए भी नजर आए हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दे कि एक्टर के खास दोस्त कुशल जावेरी ने भी जी न्यूज के साथ व्हाट्सएप चैट शेयर करते हुए बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में नहीं थे। कुशल जावेरी ने बताया है कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ आखिरी बार 1 और 2 जून को बात की थी। चैट के दौरान सुशांत सिंह राजपूत ने जैसे मैसेज भेजे थे वो एकदम सामान्य लग रहे थे। कुशल के साथ की गई चैट में सुशांत सिंह राजपूत ने लिखा था कि उनकी हेल्थ एकदम ठीक है और वो संघर्ष से डरते नहीं है। सुशांत के अनुसार, मुझे खुशी है दोस्त कि तुमने याद किया, मेरी हेल्थ ठीक है। हर कोई स्ट्रगल करता है और मैं भी अलग नहीं हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम भी ठीक ही होंगे। कुशल और सुशांत के चैट पर डालिए एक नजर। वेल, सोशल मीडिया यूजर्स के मुताबिक अब इन चैट्स को देख बस यही सामने आ रहा है कि सुशांत की दिमागी हालात बिल्कुल ठीक थी और वो काम पर फोकस करना चाहते थे। फिलहाल इन चैट्स पर आप हमें बताएं आपकी राय। ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।